बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं टर्नओवर रेशियोज, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमने कंप्लीट कर दिया था और हमने कंप्लीट कर लिया था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आज हम करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। जो भी टर्नओवर रेशियोज हैं आपने उसके अंदर फॉर्मूला याद कर लिया था डिनोमिनेटर में, तो वही रहेगा जिसका टर्नओवर पूछ रहे हो। अगर आप कह रहे हो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? एवरेज अकाउंट पेबल। इसके बाद हमने हमने करना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? वर्किंग कैपिटल। न्यूमरेटर में, अच्छा ट्रेड पेबल किससे रिलेटेड है भाई? हम ट्रेड पेबल मतलब वी हैव टू पे समवन, हमने किसी को पैसा देना। किसको पैसा देते हैं हम लोग? जिससे सामान खरीद के लाएंगे उधार पर। तो इसका रिलेशन किसके साथ है? नेट क्रेडिट परचेजेस के साथ। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बच्चों, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेबल। एक बात और, जैसे आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में डेट कलेक्शन पीरियड फाइंड किया था, वैसे ही यहाँ पर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो में आपने एवरेज पेबल पीरियड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एवरेज पेबल पीरियड। यहां भी फॉर्मूला सेम चलेगा, 12 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। लिख लेना ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है ना? एवरेज पेबल पीरियड निकल जाएगा आपका 12 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने जाएंगे तो बच्चे, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तो वर्किंग कैपिटल का रिलेशन है ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, जिसको हम कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो फॉर्मूला बन जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। एक बात और याद रखिएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा आप देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका किसी भी तरीके से सारे जुगत लगा करके नहीं मिल पा रहा है, सारे तरीके लगा करके नहीं मिल पा रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकंड प्रायोरिटी है, पहले अपनी पूरी जान लगा दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने में, ठीक है? नहीं है तो फिर सीओजीएस। और सारे रेशियोज को हम एक्सप्रेस करते हैं टाइम्स में। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, अब इन फॉर्मूले से रिलेटेड आपको सीखनी थी क्या क्या चीजें। यहां पर हमें फाइंड करना सीखना पड़ेगा बच्चों नेट क्रेडिट परचेजेस। बताइए कैसे मिलेगा नेट क्रेडिट परचेजेस? टोटल परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, क्या मिल गया? ये मिल गया आपको नेट परचेजेस। और नेट परचेजेस जब आ जाएगा तो आप माइनस कर देंगे कैश परचेजेस, तो बच्चों क्या मिलेगा हमें? नेट क्रेडिट परचेजेस, ठीक है? हमने सेल्स में भी सेम ऐसे फॉर्मूला देखा था, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल्स, क्या मिल जाता है? नेट क्रेडिट सेल्स। इसके बाद में बच्चों एक फॉर्मूला और है इसका, एक फॉर्मूला तो ये हो गया और दूसरा फॉर्मूला होगा कैश पेड टू क्रेडिटर, कैश पेड टू क्रेडिटर प्लस डिस्काउंट रिसीव्ड प्लस परचेजेस रिटर्न प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस ओपनिंग क्रेडिटर। सेल्स में भी एक फॉर्मूला ऐसे ही बताया था मैंने, बिल्कुल कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर प्लस डिस्काउंट अलाउड प्लस बैड डेट प्लस सेल्स रिटर्न प्लस क्लोजिंग डेटर माइनस ओपनिंग डेटर। वहां पर डेटर अकाउंट बना करके बताया था। तो ये कहां से बनेगा? ये कहां से ड्राइव हुआ है? क्रेडिटर्स अकाउंट बना करके। क्लियर है? बताने की जरूरत तो नहीं है फिर क्रेडिटर्स अकाउंट को। अब आगे बच्चों दूसरी आइटम यहां पर हमें चाहिए, एवरेज अकाउंट पेबल। एवरेज अकाउंट पेबल आप बता सकते हैं कैसे निकलेगा? एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कैसे आ रहा था? ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस, वैसे ही यहां पर आ जाएगा बिल्कुल, ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय टू। आप वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए यदि जाएंगे तो बच्चों सेल्स निकालना तो आप लोगों को आता है, सेल्स और सीओजीएस निकालने सारे तरीके पता है।
वर्किंग कैपिटल मुझे बताएंगे आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। वेरी गुड, वर्किंग कैपिटल फाइंड कर सकते हैं हम करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और दूसरा फॉर्मूला आपका आ जाएगा टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए इसका, वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ड्राइव कैसे हुआ बताएं आपको। टोटल एसेट को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, टोटल एसेट को हम कह सकते हैं टोटल एसेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, रहने दीजिए इसको, ऐसे नोट कर लीजिए जल्दी से, एक मिनट एक मिनट एक। इसको बच्चों वापस करेक्ट कर लेते हैं, यहां पर आप रखिएगा कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस नॉन करंट एसेट। नोट कर लिया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। देखिए बच्चों यहां पर हमने करना है सबसे पहले 90th इलस्ट्रेशन पर आइएगा, पेज नंबर 4.60, इलस्ट्रेशन नंबर 90। फाइंड करने के लिए बोला है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला लिख लो बच्चों। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया गया था, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेबल। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेजेस आप कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, आपके पास क्वेश्चन में परचेजेस है और परचेजेस रिटर्न माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा, नेट परचेजेस। नेट परचेजेस से माइनस कर देंगे कैश परचेजेस तो क्या आ जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज 14 - 5 - 9 - 1 8 लाख रुपीज आ गया। अब एवरेज ट्रेड पेबल के लिए आपको क्या चाहिए, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल डिवाइडेड बाय 2, चारों को ऐड करो 80,000, 3,000, 1 लाख, 1 लाख 80,000, 2 लाख रुपीज आ गया, डिवाइडेड बाय 2 कितना बन गया 1 लाख, तो आंसर आ गया 8 times हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं है। चले आगे, चलिए 91 देखेंगे, यहां पर भी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो पूछा गया है, तो नेट परचेजेस माइनस कैश परचेजेस क्या मिला हमें, क्रेडिट परचेजेस आ गया। अब आपके पास यहां पर सिर्फ क्लोजिंग ट्रेड पेबल है, ओपनिंग नहीं है, तो क्या करें कैसे निकालें, नहीं निकालने का कोई तरीका भी नहीं है यहां पर, तो फिर क्या करें, इसी को हम एवरेज ट्रेड पेबल ट्रीट कर लेंगे। 2 से डिवाइड कर रहे हैं क्या इसको, नहीं, दो वेरिएबल होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग, तो हम 2 से डिवाइड करते, तो फिलहाल सीधा सीधा इसको डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल रख दिया जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 6 times। क्लियर, नेक्स्ट बच्चों इसके बाद आएंगे 92 इलस्ट्रेशन पर, ये वाला हमने करना है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और ग्रॉस प्रॉफिट है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मिल जाएगा, यहाँ से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। आगे बोल देखिए, कैश परचेजेस है 25% ऑफ टोटल परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस कहीं नजर नहीं आ रहा हमें, तो परचेजेस चाहिए, कैसे निकालोगे बच्चों सुनो मेरी बात, सबसे पहले आप COGS निकाल लो, क्या फाइंड कर लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फॉर्मूला याद है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स है आपके पास 10 लाख रुपीज,
ग्रॉस प्रॉफिट उसका 25% है, सीओजीएस आ जाएगा। अब बच्चों सीओजीएस का दूसरा फॉर्मूला पुट कर दो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां पर देखिए सीओजीएस तो यहां से मिल जाएगा ऊपर से आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, तो क्या मिल जाएगा, परचेजेस मिल जाएगा। ये कैसी परचेजेस होगी, नेट परचेजेस होगी, ठीक है, नेट परचेजेस मिल गई। अब तीसरा फॉर्मूला पुट करिए नेट परचेजेस वाला, क्या होगा नेट परचेजेस का फॉर्मूला, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। इसमें रिलेशन दिया हुआ है, जब आपके पास टोटल परचेजेस आ जाएगा तो इसका 25% क्या हो जाएगा, कैश परचेजेस, तो क्रेडिट परचेजेस निकाल दोगे, ठीक है, तो आपके पास क्या मिल गया बच्चों, नेट क्रेडिट परचेजेस आ गया। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेबल। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है, नेट क्रेडिट परचेजेस है, फॉर्मूला पुट कर देना कौन सा बच्चों, फॉर्मूला पुट कर देना ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज अकाउंट पेबल। यहां पर अब आपको ट्रेड पेबल क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्रेडिट परचेजेस आप फाइंड कर चुके हैं, आपको मिल जाएगा एवरेज अकाउंट पेबल। जल्दी से सॉल्व करो आप, सेल्स है 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% सेल्स का, यानी कि 2,50,000, तो बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 7,50,000। एक काम हो गया, 7,50,000 पुट कर दो सीओजीएस में, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 2,50,000 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 5 लाख है, 2,50,000 प्लस परचेजेस माइनस 2,50,000, तो बच्चों यहां से परचेजेस आपको कितनी मिल गई अगेन 10 लाख। अब परचेजेस आपके पास आ गई है बच्चों 10 लाख। क्वेश्चन में क्या कहा है कि टोटल परचेजेस का 25% कैश सेल्स है, 2,50,000 हो गया कैश सेल्स, तो बताओ क्रेडिट सेल्स कितना मिल गया, 7,50,000 आ गया। क्रेडिट परचेजेस आपके पास, सॉरी क्रेडिट परचेजेस आपके पास आ गया 7,50,000। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 times, क्रेडिट परचेजेस है 7,50,000 डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल। बच्चों एवरेज अकाउंट पेबल कितना मिला हमें, एवरेज अकाउंट पेबल आपके पास आ जाएगा 7,50,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000 हमें मिल गया यहाँ पर 2,50,000 एवरेज अकाउंट पेबल। अब एवरेज अकाउंट पेबल का फॉर्मूला होता था ओपनिंग पेबल प्लस क्लोजिंग पेबल डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों का कोई रिलेशन, ये कहता है क्लोजिंग ट्रेड पेबल 2,50,000 ज्यादा है ओपनिंग से, ठीक है ना, क्लोजिंग पेबल कितने ज्यादा है ओपनिंग से 2,50,000, तो ओपनिंग को यदि हम एक्स ले ले तो क्लोजिंग हो जाएगा एक्स प्लस 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2,50,000, तो बच्चों ये आ जाएगा 5 लाख माइनस 2,50,000, 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2, तो बच्चों x की वैल्यू हो गई 1,25,000। और x हमने किसको कंसीडर किया था यहाँ पर, ओपनिंग टेबल को हमने कंसीडर किया था, यहाँ पर ओपनिंग टेबल को, ओपनिंग टेबल हमें मिल चुका है जो कि x की वैल्यू थी 1,25,000, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्लोजिंग टेबल होंगे ओपनिंग टेबल से 2,50,000 ज्यादा, कितना हो गया रुपीज 3,75,000 आ गया आपके पास क्लोजिंग टेबल, ओपनिंग टेबल हो गया 1,25,000। कंप्लीट कर लीजिए सभी बच्चे इसको, जिन बच्चों का ये हो गया, किसी का हो गया है,
यस सर। ठीक है बच्चों, तो जिनका हो गया 92, वो इसके बाद करेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का इलस्ट्रेशन नंबर 95 और 96। करना है इसके बाद। जल्दी से करिएगा बच्चों, 95 के अंदर बच्चों को क्या पूछा गया आपसे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कहा है, हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करने के लिए दो वेरिएबल चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज डायरेक्टली गिवन है आपको। अब रही बात रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट है सेल्स का 20%। तो फॉर्मूला लगा दो बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, बहुत बार आपने देखा कि ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10 लाख रुपीज है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने ले लिया एक्स, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया सेल्स का 20%, मतलब 1/5x। तो यहां पर वैल्यू आ गई 4/5x इज इक्वल टू 10 लाख। एक्स की वैल्यू बच्चों रुपीज 10 लाख इंटू 5/4 कितनी आ जाएगी, सेल्स हमें मिल गया 12,50,000। यहां पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू आ गई, सेल्स आ गई, अब तो काम बन गया। सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,50,000 आपने पुट कर दी, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, आंसर आ गया आपका 5 times, ठीक है। तो 95 करने के बाद बच्चों 96 और 97 करना है हमने, इसके बाद करने क्वेश्चन नंबर 90, इलस्ट्रेशन नंबर 96 एंड 97। जल्दी से शुरू करिए बच्चों 96 एंड 97। यहां पर बोला गया है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट है और ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 20% है। अगर आप इन दोनों का रिलेशन बना देंगे तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाएगा यहां से। बाकी करंट एसेट्स का 50% करंट लाइबिलिटीज है और करंट एसेट्स आपको दिए गए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है करंट एसेट आपके पास है रुपीज 12 लाख और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, करंट एसेट का 50%, तो कितना हो गया रुपीज 6 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो ऊपर से आ गया ये 6 लाख रुपीज, यहां तक ठीक। अब चाहिए दूसरी चीज क्या, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए हमें हमारा फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमें मिल चुका, अब हमें फाइंड करने जाना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूला लिखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कितना है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का 20% है, ऐसे ही लिख दो। चलो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% किसका, कॉस्ट का। कितना है ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास में 4 लाख, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/5, तो COGS हो गया इंटू 5, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया 20 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 4 लाख,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स कितना आ गया आपके पास 24 लाख। दो वेरिएबल्स आ गए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 6 लाख। ठीक है, तो 24 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख आपको आंसर मिल गया 4 टाइम्स। कंप्लीट करिए बच्चों, जिनका ये हो गया वो इसके बाद शुरू कर देंगे 97। जी बच्चों 97 और देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की तरफ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला पुट करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में 12 लाख। अब वर्किंग कैपिटल फाइंड करनी है, तो वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट तो हमारे पास है क्वेश्चन में, करंट एसेट्स गिवन है कितना है ₹5 लाख। अब करंट लायबिलिटीज कैसे मिले, तो लायबिलिटी साइड का बैलेंस शीट को जरा माइंड में लेकर के आओ। लायबिलिटी साइड में टोटल को हम क्या कह सकते हैं, टोटल एसेट। वहां पर होते हैं आपके पास शेयर होल्डर्स फंड और होते हैं बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी। दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपके पास, करंट लायबिलिटी। तो टोटल एसेट हमारे पास 1 लाख है, माइनस कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड। 8 लाख माइनस 6 लाख कितना आ गया करंट लायबिलिटी, यहाँ पर 2 लाख रुपीज आ गया। तो वर्किंग कैपिटल हो गया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी 5 लाख, करंट एसेट है 2 लाख, करंट लायबिलिटी है 5 लाख माइनस 2 लाख हो गया 3 लाख। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। कोई प्रॉब्लम है कहीं पर तो बता दीजिए। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज मेजर किए जाते हैं बच्चों, फाइंड किए जाते हैं फर्म की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी जानने के लिए। इसके लिए हमारे पास 5 तरह के रेशियोज हैं जो आपको फाइंड करने हैं प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एक बात तो ये समझ लीजिए कि जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं सभी परसेंटेज में निकलेंगे, और जब आप परसेंटेज में किसी फ्रैक्शन रेशियो को डिनोट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, सब में इनटू 100। ठीक है, दूसरी बात, जो भी आप रेशियो फाइंड करने जा रहे हैं न्यूमरेटर में वही रहेगा। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो न्यूमरेटर में क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेशियो न्यूमरेटर में क्या, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट रहेगा बच्चों आफ्टर टैक्स, कौन सा रहेगा आफ्टर टैक्स लिख लेना इसको। इसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करने जाएंगे तो न्यूमरेटर में रहेगी ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्या रहेगी बच्चों ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग रेशियो न्यूमरेटर में क्या, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसे कहते हैं मैं बताऊंगा अभी। ऑपरेटिंग कॉस्ट के 2 कंपोनेंट होते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो तो बच्चों न्यूमरेटर में क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, याद हुआ इतना। और सबके डिनोमिनेटर में क्या है, किससे रिलेट कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट रेशियो में नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग रेशियो में ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूले याद हो गए सबके। हम इससे पहले बात कर रहे थे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अगर लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर लिखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, तो मैंने कहा था कि इसके रिलेशन में कैलकुलेट करेंगे, सेल्स के रिलेशन में। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% है, तो ग्रॉस प्रॉफिट किसके रिलेशन में है, यहाँ पर सेल्स के रिलेशन में है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। उम्मीद है ये आपको याद हो गए हैं, अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुनी है तो। 5 रेशियो बताए गए थे, 4 आपके सामने हो चुके हैं। 5th है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या हो, इसका दूसरा नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक आइटम तो आपके पास क्या आ गया है, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड। और जब आप बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय करते हैं तो वहां से जो रिटर्न आपको मिलता है उस रिटर्न को क्या बोला जाता है, बिजनेस से मिलने वाले रिटर्न को क्या बोला जाता है, नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है ना बिजनेस का रिटर्न, तो रिलेशन किस चीज का है, नेट प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड का। फॉर्मूला क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। जल्दी से नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला भी।
ये सारी चीजें फाइंड करने के लिए बच्चों दो तरीके हैं, या तो मैं आपको ये फॉर्मूले बोलूं रट लूं, थोड़ा सा मुश्किल होगा, तरीका बता देते हैं। फॉर्मूले सारे आप बना कैसे सकते हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, ये कुछ नहीं लिखना। आपको क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला बनाना सीखना है। कैसे बनाएंगे ये देखते हैं, हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ रही थी। सबसे पहले देखिए, आप एक बात बताओ मुझे, बताते हुए चलना बच्चों, सेल्स को आप क्या बोलते हैं, नेट सेल्स का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, से माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि क्या माइनस करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो क्या मिलता है बच्चों, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या मिलता है, पीछे पढ़ा था आप लोगों ने, नहीं पढ़ा, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दें अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ये दोनों होते हैं हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या मिलता है बच्चों, बताएंगे कोई, क्लास 11th में पढ़े हैं सारे फॉर्मूले आपने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलता है ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेस करते हैं आप अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस को हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं, एड करते हैं अदर इनकम या फिर आप कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलता है फिर नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कैसा होता है, बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां से पहले, सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट पेड, तो क्या मिलेगा बच्चों आपको, यहां से आप माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेड, तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करेंगे टैक्स पेड तो क्या मिलेगा बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप लेस करेंगे डिविडेंड पेड तो क्या मिलेगा बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड, इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड। अब हमारे फॉर्मूले किस किस चीज के थे बच्चों, सबसे पहले था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो आपको क्या चाहिए वहां पर, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन 200, दोनों चीजें निकल जाएंगी। अब देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितने तरह से निकल सकता है, एक तरीका तो ये हो गया नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ग्रॉस प्रॉफिट पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को प्लस करना पड़ेगा। आपको नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अदर इनकम्स माइनस करनी पड़ेंगी, अदर एक्सपेंसेस प्लस करने पड़ेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे, तो क्या मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले 10 फॉर्मूले बन जाएंगे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट के ही, ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं अगर आपको ये चीज याद हो गई तो, समझ में आ गई तो। इसी तरह से बच्चों तीसरा दूसरा फॉर्मूला क्या था, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला था हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा हम यहाँ पर साइड में लिख देंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ठीक है, यानी कि ये दोनों COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या बन गए, ऑपरेटिंग कॉस्ट, दोनों को ऐड करके, ध्यान देना डिफरेंस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग है ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग है। फॉर्मूले में क्या यूज होगा ऑपरेटिंग रेशियो के लिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेटिंग कॉस्ट जब आप न्यूमरेटर में लिखेंगे तो दो चीजें लिखनी पड़ेंगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, अगर मैं सेल्स से सीधा इन दोनों को क्या बोल रहे हैं हम, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल रहे हैं ना, अगर सेल्स से डायरेक्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा, सेल्स से यदि आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या मिल जाएगा,
बोलो बच्चों क्या आ रहा है? सेल्स से ये दोनों है ना, ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर रहे तो क्या आ रहा है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक फॉर्मूला तो ये हो गया कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या आप सीधा भी कह सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में हमारे पास था थर्ड फॉर्मूला, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी हो गया, यहां से मिल गया आपको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी तरीका बता दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर ऊपर की तरफ से चलते हुए आ रहे हैं तो सेल्स से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, या ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, या सेल से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल रहा है। ऊपर से तीन फॉर्मूले बन गए। उल्टा भी चल सकते हैं, नेट प्रॉफिट दिया और आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? नेट प्रॉफिट में अदर इनकम माइनस करनी पड़ेगी और अदर एक्सपेंसेस प्लस कर दो। अदर एक्सपेंसेस मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा था नेट प्रॉफिट रेशियो। वहां पर क्या चाहिए आपको? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए, ये वाला। कैसे मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भाई? ऊपर से डिपेंड करेगा क्या गिवन है। सेल्स गिवन है तो सारी चीजें माइनस करते हुए आओ। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो वहां से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस माइनस करो, अदर इनकम साइड कर दो और इंटरेस्ट माइनस करो, टैक्स माइनस करो, तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सीधा सीधा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड माइनस करो। क्लियर? आगे इसके बाद और कौन सा था बच्चों हमारे पास में फॉर्मूले के लिए? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आपको क्या जरूरत पड़ती है, किस चीज की जरूरत पड़ती है? दो चीजों की। नेट प्रॉफिट कौन सा? बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड, ये वाला चाहिए आपको। तो मिल जाएगा ये प्रॉफिट भी इसी फॉर्मूले से, ठीक है ना। अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया गया तो डिविडेंड ऐड करो, टैक्स ऐड करो, इंटरेस्ट ऐड करो, पहुंच जाओगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड पर। ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड का तो फॉर्मूला मालूम है, डेट प्लस इक्विटी कर लो, या फिर आप कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, जल्दी से करिए, नोट कर लो इसको। लिख देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के दो फॉर्मूले और हैं आपके पास में, डेट प्लस इक्विटी, या फिर आप कह सकते हैं नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल। सभी बच्चे नोट कर चुके हैं इसको, तो आगे चलेंगे हम। क्वेश्चंस अब हमने करने हैं, ये जो फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं उसी जो अभी आपने नोट किया उसी के बेसिस पर है। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन करेंगे बच्चों हम 100, इलस्ट्रेशन नंबर 100। देखिएगा क्वेश्चन में क्या है आपके पास में। कैश सेल्स है 25% ऑफ टोटल सेल्स, परचेजेस है 6,90,000, क्रेडिट सेल गिवन है और क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 50,000 ज्यादा है। अब मुझे क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बच्चों जो भी चाहिए पहले तो उसका लिख दो फॉर्मूला। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन 200। तो अब मेरा फोकस किस तरफ है? दो काम पर। एक तो पहले मुझे मिल जाए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सबसे पहले तो वो निकालो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे मिलेगा बच्चों? यहाँ पर कुछ रिलेशन है क्वेश्चन में। क्रेडिट सेल्स है 6 लाख और बच्चों कैश सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स का 25% ऑफ टोटल सेल्स। तो यहां से निकाल दो आप नेट सेल्स। कैसे निकालोगे? नेट सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल।
नेट सेल्स को मान लो एक्स, कैश सेल्स है 25% ऑफ एक्स, यानी कि 1/4x बोल सकते हैं, और क्रेडिट सेल्स आपको गिवन है 6 लाख रुपीज, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3/4x इज इक्वल टू ₹6 लाख, एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों ₹8 लाख, यानी कि ये क्या है आपका 8 लाख रुपीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहां तक समझ गए? अब क्वेश्चन में आगे देखिए, कुछ ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कहीं से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है? नहीं है भाई, और ग्रॉस प्रॉफिट तब तक नहीं आ सकता अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो COGS मिल जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेल्स तो मिल गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरी चीज क्या बच्चों, कहीं से बता सकते हो कुछ तरीका बताओ जिससे मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल दूं? कोई बच्चा तो बताओ क्या फॉर्मूला था? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है हमारे पास में बच्चों? नहीं है ये तो, ये तो फाइंड करने के लिए चलिए। परचेजेस कितना है? 6,90,000। यहां पर ये क्या मतलब है? इसका मतलब है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है ना, क्या है ये? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये मैंने गलत लिख दिया था। हाँ जी, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और ये अगर मैं लास्ट में लिख दूं तो लिख देंगे प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री। अगर मैं यहां पर ब्रैकेट लगाऊं तो कुछ चेंज आना चाहिए, अगर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री लिखा हुआ है। कितना है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री? 50,000। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 है, तो 6,90,000 माइनस 50,000 हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया 6,40,000। अब आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख माइनस 6,40,000, कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? 1,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया 1,60,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 8 लाख × 100 आ गया 20%। जल्दी से सॉल्व करिए इसको। हंड्रेड के बाद बच्चों करने जा रहे हैं हम लोग 101 इलस्ट्रेशन, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। 101 में कैश सेल्स गिवन है, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस गिवन है, कैरिज इनवर्ड गिवन है, सैलरीज गिवन है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया बच्चों? आप इसे क्या बोलेंगे, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग? डिक्रीज का मतलब है कि बाद वाला कम है, क्लोजिंग कम है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कितनी है? 10,000 रुपीज है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेजेस रिटर्न, और वेजेस आपको दिया गया है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स का रेशियो है 1:3। बच्चों कैश सेल्स अगर आपके पास में है 25,000, तो बताएंगे क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी? 1:3, इन दोनों का रिलेशन है कैश और क्रेडिट का 1:3, यानी कि क्रेडिट 3 टाइम्स है, 75,000 हो गया। तो बच्चों रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो जाएगा आपका? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स, 1 लाख रुपीज आ गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब क्वेश्चन में बोला गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करने के लिए, तो सेल्स आपके पास है, COGS कहीं से मिल जाए, फॉर्मूला बोलो। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब यहां से आपके पास ओपनिंग माइनस क्लोजिंग तो दिया हुआ है, कितना है बच्चों? 10,000 है ना, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कितना है? 10,000, तो ओपनिंग भी हो गया इसके अंदर, तो क्लोजिंग भी हो गया। अब परचेजेस कितना होगा बच्चों? कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, कितना आ गया? 60,75 प्लस माइनस 2, 73,000 आ गया नेट परचेजेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या है आपके पास में? देखिए कैरिज इनवर्ड का डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते थे, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस और फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक गुड्स को लेकर के आने के एक्सपेंसेस। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये। वेजेस भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो बच्चों 2,000 और वेजेस 5,000 दोनों को ऐड कर दो तो 7,000 आ गए आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
कितना हो गया 90,000 हो गया COGS। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कितना आएगा 10,000, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स थी आपके पास 1 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी 90,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 10,000। फॉर्मूले में पुट कर देंगे बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला बनेगा ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख इंटू 100। 101 हो गया, इसके बाद करना है 103 बच्चों। जिन बच्चों का 101 हो गया वो इसके बाद 103 शुरू कर दें। अब मुझे पास में बच्चों COGS अगर आ जाए तो काम बन जाएगा। COGS कहां से आएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता था COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। जो भी चीज दी गई है क्वेश्चन में जिसका फॉर्मूला दिया गया है वो पुट कर दो, एवरेज इन्वेंट्री। तो बच्चों COGS तो मेरे पास नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 2 लाख रुपीज और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 8 टाइम्स, तो COGS कितना बन गया 16 लाख रुपीज। अब क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट कितना है कॉस्ट का 25%, मतलब की 4 लाख रुपीज हो गया। तो बच्चों बताओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना होगा 16 प्लस 4 20 लाख रुपीज और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला पुट कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख अपॉन 20 लाख इनटू 100 कितना आ गया बच्चों 20%। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया, आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बाकी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम कंप्लीट करेंगे।